तो आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि तुम किस तरह एक सिंगल इमेज का यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर को एक नेक्स्ट लेवल पोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली हमारी आज की वीडियो होने वाली है सालार मूवी पोस्टर पे, तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह एक 3200x4000 पिक्सल्स का कैनवस ले रहा हूँ, क्योंकि ये साइज़ हर जगह इंस्टाग्राम वगैरह पर ईजिली अपलोड हो जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? फिर मैं अपने मेन सब्जेक्ट की इमेज को प्लेस एम्बेड करके उसका कटआउट ले रहा हूँ पेन टूल की हेल्प से। और याद रहे कि सिलेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट स्मूथ होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पेन टूल पे अपना हाथ साफ करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और जहाँ जहाँ से थोड़ी बहुत रफ सिलेक्शन वगैरह हो तो उसे सॉफ्ट राउंड ब्रश से हल्का हल्का इरेज करके स्मूथ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इससे होता यह है कि हमारा आर्ट वर्क हमारी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क नज़र आता है और हमारा आर्ट वर्क नेक्स्ट लेवल चला जाता है। उसके बाद एक रॉकी माउंटेन्स टाइप की इमेज को प्लेस एम्बेड करूँगा बैकग्राउंड। तो यहाँ मैं थोड़ा KGF-ish ब्लैकिश थीम की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग ने सालार का टीज़र देखा हो तो इसमें इसी टाइप की कलर थीम का यूज़ हुआ हुआ है। और उसके बाद अपने जो माउंटेन वाली इमेज है उसकी एक और कॉपी लेके माउंटेन्स के कटआउट ले रहा हूँ क्विक सिलेक्शन के जरिए, और इसे मैं अपने फोरग्राउंड में प्लेस कर दूँगा ताकि ऐसा एक सेंस क्रिएट हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो माउंटेन्स के ऊपर खड़ा हुआ है, और इसे रिसाइज करके एडजस्ट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद ह्यू एंड सेचुरेशन लेयर की हेल्प से मैं थोड़े कलर एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, सेचुरेशन वगैरह थोड़ी सी कम करके ब्लैकिश की तरफ थीम ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े येलोज का टोन आया हुआ है सब्जेक्ट में, तो इसे रिमूव करना है क्योंकि थोड़ा सा ऑड लग रहा है। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सटल सटल सा पेंट करना है कि ज़्यादा ओवर भी ना लगे और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आए। उसके बाद एक न्यू लेयर ऐड करके दोनों माउंटेन्स के दरमियान थोड़ा सा स्मोक बिल्ड कर रहा हूँ ताकि दोनों माउंटेन्स के दरमियान सेपरेशन क्रिएट हो। और उसके बाद ब्रोकन मिरर की इमेज को प्लेस एम्बेड करूँगा और एक एक इमेज को सेपरेटली पेन टूल से कटआउट लेके कंट्रोल जे प्रेस करके उसकी कॉपी लेनी है और उसके अंदर अपनी सारी इमेजेस को प्लेस एम्बेड करके उसकी ओपेसिटी 60-70 के अराउंड कर देनी है। और यही सेम प्रोसेस हर मिरर में अप्लाई करना है, तो यहाँ से मैं प्रोसेस स्पीड अप कर देता हूँ। और इस वाले मिरर में मैं डायनासोर की इमेज का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग ने टीज़र देखा हो तो उसमें जुरासिक पार्क में डायनासोर या टीरेक्स से कंपेयर किया गया है, तो यही इसकी वजह थी कि मैंने यहाँ पे मिरर के अंदर एक टीरेक्स की इमेज का भी यूज़ किया। और सारी इमेजेस का लिंक तुम लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इन इमेजेस का यूज़ करके तो कुछ अच्छी सी चीज़ बनाओ तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर करना। और बैकग्राउंड में मैं एक डिस्ट्रॉयड अर्थ की इमेज का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे शेडोज़ एंड हाईलाइट्स भी बनाना है, तो इसके लिए मैंने सोर्स बिल्ड कर लिया। और हमारे पोस्टर में एक सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन और वायलेंट टाइप की थीम का मैसेज भी कन्वे हो जाएगा, एक तीर से दो निशान। लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह चेंज करके देख सकते हो, ऊपर नीचे सब सारे ब्लेंडिंग मोड्स ट्राई करके और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लोइंग लुक आए वही वाला ब्लेंडिंग मोड सिलेक्ट कर लो।
उसके बाद मैं शेडोज़ एंड हाइलाइट्स बनाने के लिए वही पुराना वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने तुम लोग को अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है। अगर तुम लोग ह्यू वाले स्लाइडर को ऊपर नीचे करोगे तो उसमें से तुम अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हो कि किस कलर का तुमको हाईलाइट बनानी है, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक, और उसके बाद सैचुरेशन और लाइटनेस वगैरह भी कम कर सकते हो जिस टाइप की तुम लोग को हाईलाइट चाहिए। और एट द एंड अगर और भी ग्लोइंग हाईलाइट चाहिए तो फिर उसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर डच पे रख देना, ओके। इससे बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद पार्टिकल्स, ओवरलेस, टेक्स और कैमरा और फिल्टर अप्लाई करने के बाद अपना जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कुछ यूं निकल के आता है। लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस, बट नॉट इन जुरासिक पार्क। सो आई होप कि आज का मूवी पोस्टर को पसंद आया होगा। अगर तुम लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं डंकी के पोस्टर के ऊपर। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।